नमस्कार, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीम्स में आई बीम हम क्यों यूज करते हैं। सो आई बीम ही क्यों, बाकी कोई बीम क्यों नहीं। सो चलिए शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर बीम का फंक्शन क्या है, बीम किस काम में आती है। सो बीम मतलब क्या, बीम तो आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज होती है, बीम्स पिलर्स, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके आप समझ सकते हैं। बीम बेसिकली देखी भी होगी, पिलर ही, पिलर का समझिए एक तरीके से इंटरनल पार्ट। सो बीम का मेन फंक्शन क्या है, सो लोड उसे काफी ज्यादा कैरी करना है। सो बीम का मेन फंक्शन क्या है, लोड ज्यादा कैरी करना है। कंस्ट्रक्शन में देखिए बिल्डिंग का फाउंडेशन कहाँ पर होता है, बेसिक। सो पिलर्स में जितना दम होता है बिल्डिंग में उतनी स्ट्रेंथ होती है। सो बीम जो कि है उसे मेन फंक्शन क्या है बीम का, सो बीम मेन फंक्शन है कि लोड कैरी करना। सो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन यही है, लोड कैरी करना, ठीक है। सो सपोज एक बीम है, ठीक है। अब बीम मैंने कैसे ले ली, अब मैंने नॉर्मल शेप की ले ली, नॉर्मल एकदम जैसे होता है इस शेप की बीम ले ली, ठीक है। अब इस पे फोर्स एक्ट, लोड की रखा, लोड रखा मतलब क्या, यहां पर मैंने कुछ लोड रखा, कुछ मास रखा समझो, ठीक है। तो अब मास जैसे ही मैं रखूंगा तो क्या होगा, इस पे एक फोर्स एक्ट होगा। अब हम नोट करते हैं कि सपोज एक ऐसी चीज है, इसे मैंने यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड किया दो साइड, सो दो साइड्स मैंने इसको सपोर्ट प्रोवाइड किया। अब जैसे कि अगर विजुअलाइजेशन चाहिए तो इस बीम को सीधा कर दो, और अगर जो सपोर्ट की बात करें तो एक सपोर्ट तो जाता है ग्राउंड में और एक सपोर्ट ऊपर की तरफ, उससे दीवार से फर्दर सपोर्ट। सो अब वो सब तो इतना बेसिक लेवल पे पॉसिबल नहीं, सो मैंने इसे दो सपोर्ट प्रोवाइड किया और यहाँ पर एक मास रखा। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा सा ये नीचे की तरफ बेंड होने की कोशिश करेगा, जिसे फिजिक्स में कहते हैं सैग, या फिर हम कह सकते हैं इस एक्टिविटी को हम कह सकते हैं सैगिंग। सो यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है, तो अब यहाँ पर हमें वही डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पर वही बीम मैंने यहाँ पर बना दी, यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड किया। अब जब मैंने इस पर मास रखा, अब मैंने इसके ऊपर मास रखा, यानी कि मैंने इसके ऊपर एक तरीके से फोर्स पैदा करने की कोशिश की। अब जब फोर्स पैदा होता है तो फोर्स बेसिकली करने की क्या कोशिश करता है, फोर्स पैदा करने की कोशिश करता है कंप्रेशन। जैसे कि अब कोई चीज है, अगर मैं उसे कंप्रेस कर रहा हूं, जैसे कि कंप्रेस कर रहा हूं मतलब मैं कैसे सेंस में समझाऊं, जैसे कि मार्कर है, मैं इस पे फोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ दोनों जगह से, तो मैं इसे कंप्रेस, मैं इसे प्रेस, इसे थोड़ा दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो फोर्स से मैं क्या पैदा कर रहा हूँ, कंप्रेशन पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि और एग्जांपल्स में कैसे कह सकता हूँ कि अब कपड़ा है, कोई कपड़े को हम फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फोर्स मतलब उसे पुश कर रहे हैं, यानी कि कंप्रेशन। जैसे मैं बोर्ड को फोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये फोर्स, तो मैं कर क्या रहा हूँ, फोर्स को दीवार, ब्लैक बोर्ड को दीवार की तरह पुश कर रहा हूँ, यानी कि कंप्रेस कर रहा हूँ। तो यहां पर जब मास रखेंगे तो यहां पर क्या पैदा होगा, यहां पर पैदा हो जाएगा कंप्रेशन, ठीक है। सो यहां पर पैदा होगा कंप्रेशन। सो अगर मैं बात करूं इस मटेरियल की, तो सबसे ज्यादा कंप्रेशन किस एरिया में होगा, सो इस टॉप एरिया में सबसे ज्यादा कंप्रेशन होगा, क्योंकि इसके एग्जैक्टली ऊपर है हमारा मास। तो यहां पर जब कंप्रेशन होगा, मैंने बोला यहां पर सैगिंग होगी, तो अब नेक्स्ट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब यहां पर मॉलिक्यूल्स के बारे में हम बात करें, मॉलिक्यूल्स के बारे में, छोटे छोटे एटम्स के बारे में हम बात करते हैं, तो यहां पर हर जगह एटम्स है, तो मैं इस चीज को कंप्रेस कर रहा हूँ। कंप्रेस कर रहा हूँ मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए जो भी मॉलिक्यूल्स हैं मैंने मास एक्ट किया, अब मैं हर मॉलिक्यूल को फोर्स क्या कर रहा हूँ कि वो आपस में कनेक्ट होते जाए, यानी कि इस डायरेक्शन में आते जाए। हर मॉलिक्यूल को मैं फोर्स कर रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में आए, हर एक को सेंटर की तरफ, तभी ही सैगिंग हो रही है। यानी कि मैं कंप्रेस कर रहा हूँ मतलब सब मॉलिक्यूल्स को एक ही जगह पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि अब यहां पर मैंने सपोज किसी ने मुझे पीठ पे मुक्का मारा, सो मुक्का मारा तो बेसिकली क्या होगा, जो मेरी बॉडी का पार्ट है वो एक ही साइड पे आ जाएगा, मतलब नियर अबाउट सब आने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अब यहां पर कॉम्प्रेशन पैदा हो रहा है, मैं थोड़ा अब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, तो यहां पर टेंशन पैदा होगा। अब टेंशन एक फोर्स है, ठीक है। सो टेंशन क्या है, एक फोर्स है। सो इस फोर्स का नाम क्या है,
टेंशन फोर्स। सो टेंशन फोर्स क्या होता है? बेसिकली सरफेस टेंशन जिसे हमने पढ़ा है। सो ये होता है स्ट्रेचिंग फोर्स एक तरीके से, यानी कि नीचे के सेक्शन में स्ट्रेचिंग फोर्स पैदा हो जाएगा। सो स्ट्रेचिंग फोर्स मैक्सिमम कहाँ है टेंशन? सो वो है लोअर पार्ट में। सो आप सोच रहे हैं टेंशन कहां से आया? अब देखिए, बेसिकली देखिए, अब सपोज मुझे किसी ने पीठ पे मुक्का मारा जोर से, तो मेरी बॉडी कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। अब ऐसे हो जाने का मतलब क्या है? आई होप वीडियो में अच्छे से आ रहा है। अब पीछे से किसने मुझे मुक्का मारा, तो मेरी बॉडी कैसे हो जाएगी? ऐसे फैल जाएगी। फैल जाएगी मतलब इमेजिन किए यहाँ मॉलिक्यूल्स थे, तो मॉलिक्यूल्स फैलना शुरू हो जाएंगे हर एक जगह पे। सपोज मुझे मुक्का आया पीछे से ऐसे, तो मेरे मॉलिक्यूल्स ऐसे पीछे से, पीछे मेरे यहाँ पर मास रखा, तो पीछे पैदा हुआ कंप्रेशन। देखिए जो मेरा ये सेक्शन था, अब ये सेक्शन मेरा एक्चुअली ओपन है, बट अगर मुक्का लगा तो पीठ ऐसे हो जाएगी, यानी कि जो बॉडी के ये पार्ट हुआ, ये सेक्शन हुआ, सब क्या हो जाएंगे? एक साथ हो जाएंगे ऐसे मुक्का लगते ही। बट आगे के सेक्शन में क्या होगा? आगे का सेक्शन फैल जाएगा। फैल जाना मतलब स्ट्रेच हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ, जरा विजुअलाइज करके देखिए, पॉज करके ही सोच के देखिए। एट प्रेजेंट मेरी बैक कैसे थी? एट प्रेजेंट बैक जो थी मेरी, बैक मेरी कैसे थी? ऐसे थी। बट मुक्का लगते ही कैसे हो गई? कंप्रेस हो गई थोड़ी, सुकड़ गई थोड़ी सी। बट आगे का सेक्शन मेरा फैल गया। सो वही है कंप्रेशन और टेंशन। सो कंप्रेशन मैक्सिमम कहाँ है? ऊपर। टेंशन मैक्सिमम कहाँ है? नीचे। तो बीच वाले पोर्शन का यूज क्या है? बीच वाले पोर्शन का तो कुछ यूज ही नहीं है, यानी कि कंप्रेशन हो रहा है यहां पर और टेंशन एक्ट हो रहा है यहां पर। सो जो बीच का पार्ट है वो तो पूरा का पूरा यूजलेस है एक्चुअली देखा जाए तो। उसका यूज क्या है? सो जब किसी पार्ट का यूज ही नहीं है तो उसे रख के क्या करें? इसीलिए हमने ऊपर वाला कंप्रेशन के लिए रख दिया, नीचे वाला टेंशन के लिए रख दिया, और बीच का हमने कनेक्टर बना दिया। अब इससे हमारा जो प्रोडक्शन है, इसकी प्रोडक्शन भी बच जाएगी। अब सपोज इसकी एरिया थी 5 मीटर, 5 मीटर नहीं कह सकता मैं, 1 मीटर स्क्वायर। इमेजिन इसकी वॉल्यूम थी, चलिए वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। अब मैंने वॉल्यूम वही रखी इसकी भी, बट मैंने थोड़ा शेप चेंज कर दिया, थोड़ा अरेंजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एरिया का अलग कर दिया। सो आपको समझ में आ रहा होगा कि आई बीम हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कंप्रेशन ऊपर है तो राइट, टेंशन नीचे। सो यहाँ पर बीच के पार्ट का यूज क्या है? सो ये है एक आई बीम।